This is the social platform on YouTube which will update you about the all the related job vacancy related with social work. I am here as, you, as your social work guide and I am ready to help you in every aspect related with the job vacancy, new updates and many other information which are related with social work. So today we will talk about multiple job vacancy in two organization. तो चलिए बात करते हैं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी आई है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान संस्थान में जॉब वैकेंसी आई है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ये नोटिफिकेशन 27 अक्टूबर 2021 को आया है और यहाँ पे अपलीकेशन आर इनवाइटेड ऑन और बिफोर फिफ्थ नवंबर 2021 अप टू 5 पीएम यानी कि आपको 5 नवंबर के शाम 5 बजे से पहले यह जॉब अप्लीकेशन अप्लाई कर देना है फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग वैकेंसी अंडर द एडॉक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का नाम है एंट्रीम सेटेलाइट सेंटर फॉर सिकल सेल डिजीजेज एट चंद्रपुर टू बी फील्ड एट द आई सी एम आर टी बी हॉस्पिटल रामनगर नियर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंद्रपुर महाराष्ट्र ये जो वैकेंसी आई है ये यहाँ पे एडॉप्ट टाइप का प्रोजेक्ट के लिए आया है और प्रोजेक्ट का नाम आपको इंट्रीम सैटेलाइट सेंटर फॉर सिकल सेल डिजीजेज एट चंद्रपुर है और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो चलिए इस बारे में देखते हैं यहाँ पे लिंक दिया गया है जिसपे आप क्लिक करके यू कैन अप्लाई ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म ऑन दिस गिवन लिंक एंड अपलिकेशन रिसिव आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एनी सरकम द कैंडिडेट विल हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग द अप्लीकेशन फॉर दलोंग विद दूमेंट यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं वो दिए गए इस लिंक पर जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है जो लोग भी किसी भी कार्लाई करते हैं तो उनको उनका अप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और साथ ही आपको जो भी इससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपलोड करने हैं चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है अप्लीकेशन विल बी स्क्रीन And the list of shortlisted candidate will display on the website on the online interview on आपको इस जो वेबसाइट है एन आई ए एच डॉट ओ आर जी डॉट इन पर आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा लिस्ट आ जाएगी जिन किन जिनका भी अप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट होगा उनका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और यहाँ पर आपको ऑनलाइन इसके बारे में बता दिया जाएगा ये जो होगा जो इंटरव्यू होगा वो वीडियो कॉल के थ्रू होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरव्यू होगा ऑनलाइन मोड पर होगा शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू सेल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस एजुकेशनल और एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया के हिसाब से ही आपका नाम शॉर्ट लिस्ट होगा फॉर द इंटरव्यू चलिए अब बात करते हैं वाट आर द पोस्ट पोस्ट क्या है और इसके लिए क्या क्या सैलरी मिलेगी यहाँ पे जो इंट्रीम सैटेलाइट सेंटर ऑफ स्किल सेल डिजीजेज एट चंद्रपुर है यहाँ के लिए जो वैकेंसी आई है इस प्रोजेक्ट के लिए पहला जो पोजीशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सोशल वर्क वाले के लिए नहीं है बट अगर आपके कोई रिलेटिव है जिन्होंने एम बायोलॉजी से किया है इस तरह के फील्ड से रिलेटेड है तो वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं दूसरी वैकेंसी भी साइंटिस्ट भी की है मेडिकल पोस्ट की है यहाँ पे एमडी वालों के लिए जॉब वैकेंसी जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है लेकिन हम बात करते हैं सोशल वर्क की तो चलिए सोशल वर्क के बारे में बात करते हैं यहाँ पे थर्ड जो पोजीशन आया है मेडिकल सोशल वर्कर की है यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन दो है एंड सैलरी है थर्टी पर मंथ यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है एमए इन सोशोलॉजी एम एस डब्लू ग्रेजुएट विथ टू ईयर डिप्लोमा इन सोशल वर्क विथ टू ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन मेडिकल सोशल वर्क और पब्लिक हेल्थ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एम कर रखा है और उनके पास दो साल का एक्सपीरियंस है इन द एरिया ऑफ मेडिकल सोशल वर्क और पब्लिक हेल्थ दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट वर्किंग इन ट्राइबल एरिया नॉलेज ऑफ होम्योग्लोबिन ऑपथिस एंड एक्सपीरियंस इन जेनेटिक काउंसलिंग विल बी गिवन प्रेफरेंस यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने ट्राइबल एरिया में काम कर रखा है साथ कर साथ कर हेल्थ सेक्टर में काम कर रखा है जिनको थोड़ा नॉलेज है मेडिकल का जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं और या फिर उनको इस सब का नॉलेज है तो वो इसके लिए प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे अट्ठाईस साल है और जो ड्यूरेशन होगा रिक्रूटमेंट का वो अगस्त 2022 तक के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा तो ये यहाँ पे एक ही पोस्ट ऐसा है जिसको सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर अदर भी यहाँ पे जॉब वैकेंसी निकला है दूसरा प्रोजेक्ट है एक दूसरे प्रोजेक्ट का जिसका नाम है एक कंप्रहेंसिव लॉगिट्यूडनल कोहरेंट स्टडी फॉर द ऑर्गन डैमेज एमोंग सिकल सेल डिजीज पेशेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर भी यहाँ पे एक मेडिकल सोशल वर्कर की रिक्रूटमेंट की जाएगी जहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट रखा गया है यहाँ पे सैलरी मिलेगी थर्टी टू थाउजेंड और यहाँ पे एम ए इन सोशलॉजी एम एस डब्ल्यू ग्रेजुएट विथ टू ईयर डिप्लोमा इन सोशल वर्क विथ टू ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल सोशल वर्क और पब्लिक हेल्थ इज़ एसेंशियल क्वालिफिकेशन और यहाँ पे ऐसे कोई भी जिन्होंने एमएसडब्ल्यू कर रखा है और उनके पास दो साल का वर्क एक्सपीरियंस है मेडिकल सेटिंग में या पब्लिक हेल्थ सेटिंग में दे गए ना अप्लाई और यहाँ पे डिज्राइवल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम है वर्किंग इन ट्राइबल एरिया नॉलेज ऑफ सॉरी नॉलेज ऑफ होमोग्लोबिन नॉलेज ऑफ होमोग्लोबोनोपथीज एंड द एक्सपीरियंस इन जेनेटिक काउंसलिंग होना चाहिए और यहाँ पे जो एक मैक्सिमम एज लिमिट है वो ट्वेंटी एट ईयर है और सितंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू तक के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा अब जानते हैं कि क्या प्रोसीजर है कैंडिडेट मीटिंग द एज क्राइटेरिया प्रोसेसिंग द रिक्वायर्ड अप्लीकेशन एक्सपीरियंस ई टी सी कैन फिल द अपलीकेशन फॉर्म एलॉन्ग विथ यहाँ पे एक दिया गया है ऑनलाइन लिंक दिया गया है वहाँ पे जाकर आप पाँच से पाँच नवंबर से पहले अप्लाई कर सकते हैं जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा देन आपका सिलेक्शन होगा तो यहाँ पर दो पोस्ट ऐसे थे जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं थे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और चलिए अब दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं दूसरी वैकेंसी दूसरा डिपार्टमेंट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एम्स पटना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आई फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट विद द डेवलपमेंट एंड द वेलीशन ऑफ एन इंडियन इंस्ट्रूमेंट टू एस एस सेवेरिटी ऑफ द नमोफोविया यानी कि ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ दिया गया है ये एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आई द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट की जा रही है ये सोशल वर्क वालों का यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है तो यहाँ पे जो वैकेंसी का नाम है पोस्ट का नाम है प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर और नंबर ऑफ वैकेंसी वन है फॉर थ्री ईयर्स यानी कि ड्यूरेशन होगा तीन साल के लिए प्रोजेक्ट है और तीन साल के लिए रिक्रूटमेंट की जाएगी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी सोशल वर्क ऑकोपेशनल थेरेपी कोगनेटिव न्यूरो साइंसेज फ्राम द रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी डिजराइबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो टू ईयर वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम द रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट एम फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकेट्रिक सोशल वर्क नॉलेज ऑफ एस्टेटिक्स रिलेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक एस पी एस एस एंड द अप्लीकेशन पैकेज लाइक एम एस ऑफिस आना चाहिए और साथ ही वर्क वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो दे द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डेटा कलेक्शन एंड प्रोवाइड असिस्टेंट इन डेटा एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग तो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है एम एस डब्ल्यू डिज्राइबल क्वालिफिकेशन है दो साल का वर्क एक्सपीरियंस इन साइकेटिक सोशल वर्क और साइकोलॉजी और एम फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी साथ ही उनको एस पी एस जैसे सॉफ्टवेयर चलाने आना चाहिए और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो उनके पास एक अच्छा रिपोर्ट राइटिंग स्किल होना चाहिए डेटा को एनालिसिस करने का क्राइटेरिया तो मतलब क्वालिटी होनी चाहिए तो ऐसे लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन होगा सैलरी की बात करें तो थर्टी टू थाउजेंड पर मंथ है और एनुअल इंक्रीमेंट होगा टेन परसेंट का मैक्सिमम एज लिमिट थर्टी इयर्स है तीस साल है मैक्सिमम एज द एव पोस्ट विल बी फिल प्योरली ऑन कॉन्टेक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ थर्टी सिक्स मंथ द कैंडिडेट विलिंग To apply, may visit the institute website that is www.mspatna.org for the detailed information. Eligible candidate may apply on the attached performer. The field of application form along with the certificate of age qualification, experience should be emailed to Project, project Psychiatric at the date gmail.com. A last date of submission. of application will be 15 days after the advertisement notice on the issued website. Eligible candidate will be called for interview through shared email mentioned above. एव यानी कि यहाँ पे जो कैंडिडेट होंगे उनको जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको मिल जाएगा और फिर इनका रिक्रूटमेंट होगा ये जो नोटिफिकेशन है ट्वेंटी एट्थ अक्टूबर को आया था पंद्रह दिन का वक्त है यानी कि ये ऑलमोस्ट बारह बारह तेरह नवम्बर तक ये ओपन रहेगा उससे पहले तक इसको कोई भी अप्लाई कर सकते हैं आई होप आपको ये दोनों वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इलिजिबल नहीं है और आपको लगता है कि हाँ आप किसी ऐसे को जानते हैं जो इस पोस्ट के लिए इलिजिबल है तो उसे ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए थैंक यू गाइज